अब जो महत्वपूर्ण बात है ये समझना चाहूंगी कि वहां पर रामलला जो है, जो नई मूर्ति है वो स्थापित हो चुकी है और जो नियम है वो हो रहा है, प्राण जी प्रतिष्ठा हाँ, का प्राण शुरू हो चुका प्रतिष्ठा के है। जो नियम है वहीं पर हो रहा है, जहाँ मूर्ति वो है, नई मूर्ति है, लेकिन अभी उसको खोला नहीं गया है, अभी शरीर को ढक दिया गया है कपड़े से। अच्छा, शरीर को ढक दिया हाँ गया। एक तस्वीर बार बार सामने आ रही कि प्रभु की आंखें खुली हुई है, हालांकि ये कह रहे कि पुरानी तस्वीर है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती पूरी प्रक्रिया, तब तक क्या आंख खोला जा सकता है नहीं नेत्र? नहीं सब सब झूठा है एकदम। नेत्र जब मूर्ति तैयार हो जाती है, जिस मूर्ति का निर्णय हो जाता है कि इसी मूर्ति को वहाँ ले जाना है, तो उसके नेत्र तुरंत बंद कर दिए जाते हैं और उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो ये काम जो है वो तो वही होता है, और जो आँख खुली हुई दिखाई दिया मूर्ति, वो मूर्ति है ही नहीं है, ऐसा ऐसा स्वरूप मिल ही नहीं सकता। यदि मिल गया है तो उसकी जांच होगी, या फिर ऐसे किसने खोल दिया और कैसे ही मूर्ति वायरल हो गई। और एक बात ये भी है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं होती है तब तक क्या श्रृंगार ये सब होता है प्रभु का? कौन आंखें, नेत्र नहीं, बंद करके प्राण श्रृंगार होता है? प्राण प्रतिष्ठा के तो सब काम होगा, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा नेत्र नहीं खुलेगा जी। अभी क्या? अब बस 2 ही दिन रह गए हैं, आज 20, 21, 22 को होना है। अब इस समय की क्या विधि रहेगी, जरा बताइए। इसमें वही विधि है जो मंत्रों के द्वारा या कर्मकांड के द्वारा हो ही रहा है, और इसमें जो है यह है जितने भी कार्य हैं वो होंगे, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा उनके, और शरीर खुला सकता है, खोल सकते हैं ये पंडित हैं, क्योंकि और जगह शरीरों में उसको जो देना पड़ता है पुष्पाधिवास, जलाधिवास, आदिवास सब होता है काम, तो कुछ न कुछ होता है। इसी ऐसी दशा में वह नेत्र नहीं खोला जाएगा, बाकी जो प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की वो किया जाएगा। और ये जो हमारे जो टेंट में जो श्री राम प्रभु जिनकी पूजा हो रही है, उनको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, किस जगह पर, श्री राम के कहाँ पर? जैसे वो जो गर्भगृह है जी जहाँ रामलला के स्थापना किया जा रहा है, उसके अगल बगल और जगह है छोटी छोटी हुई है, तो वहीं कहीं किसी कोने पर उनको स्थापित कर दिया जाएगा किनारे, और उनकी पूजा अर्चना होगी। अभी यही समस्या है कि अरे यदि वो मूर्ति की पहले पूजा अर्चना नहीं शुरू हुई, उसके पहले इनको स्थापित कर दिया, तब समस्या बनेगी। इसलिए संभव है कि वो यह 22 तारीख तक न करें, और 22 के बाद 23-24 को प्राण मान इन मूर्ति को ले जाकर स्थापित करें, जो नए नए मंदिर में, पुराने मंदिर से जाके नए मंदिर में स्थापित हो।